नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान, आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के पकोड़े। इन पकोड़ों में कुछ टिप्स हैं, वो आप यूज़ करेंगे तो आपके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी लिया है और उसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक। नमक को मिला देंगे। और इसमें डालेंगे गोभी। गोभी को ज़्यादा बारीक मत काटिएगा, जैसे ये इसके डंठल होते हैं उसी तरह से लेना है इनको। पकौड़ों के लिए यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इनको हमने उबालना है, तो टोटल आप 4 मिनट उबालिएगा। गोभी को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, मीडियम फ्लेम पर 4 मिनट आप इसे पका लेना। और इसके अंदर नमक इसलिए डाला है, नमक इसके अंदर चला जाएगा तो ये पकौड़ों में फीकी नहीं लगेगी। अब 4 मिनट हो चुके हैं, तो आधी कच्ची सी हमारी गोभी पक चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे, गैस बंद कर देंगे। गोभी मैंने 500 ग्राम ली है। अब इसमें मैंने लिया है बेसन आधा कप, ये 60 ग्राम बेसन है, और चावल का आटा है 50 ग्राम 1/3 कप, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, हरा धनिया। अब पानी डालकर हम इसका गाढ़ा घोल बनाएंगे। घोल पतला नहीं रखना है, गाढ़ा रखना है। चावल का आटा अगर आपको ना मिले तो घर में जो चावल होते हैं उन्हीं को आप ग्राइंड करके पीस लीजिएगा। ये मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी। अब इसको मिक्स कर लेंगे। हल्दी से पकोड़ों में कलर भी बहुत अच्छा आएगा और आपका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब जो गोभी है वो हमारी ठंडी हो चुकी है और उसको हमने एक बोल में डाल दिया है। और उसमें डाल रही हूं मैं हींग 1/4 छोटा चम्मच। और इसमें डाला है मैंने अदरक, और हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है। तो हरी मिर्च है वो कम से कम 4-5 हरी मिर्च लीजिएगा आप, तभी ये पकोड़े आपको अच्छे लगेंगे। क्योंकि मैं और कोई मसाला नहीं डाल रही हूँ, गरम मसाला वगैरह डालने की मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं लगी, इसलिए मैंने नहीं डाला। पर मिर्च आप 4-5 लीजिएगा। मसाले को हमने गोभी में मिला दिया और उसके बाद अब बेसन में इसको मिला देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मसाला है हरी मिर्च और अदरक का और हींग, उसको बेसन में डाल दीजिए, फिर आप गोभी मिला दीजिए। पर मैंने इसलिए किया, ये स्टेप ऐसे किया ताकि जो गोभी में हरी मिर्च और अदरक और हींग अच्छी तरह से मिल जाए, गोभी के अंदर चली जाए। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और एक एक छोटा फूल हम गोभी का डालते जाएंगे जो हमने बेसन में डिप किया है। और बेसन पतला कर देंगे तो कोटिंग अच्छी नहीं होगी, तो बेसन को गाढ़ा ही रखिएगा और बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े आप बना सकेंगे। और पकोड़े जब थोड़े पक जाएं तभी हिलाइएगा। और इसको मीडियम फ्लेम पर आप पका लीजिएगा, क्रिस्पी होने तक आपने फ्राई करना है। तो देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे ये पकोड़े आपके। जो मैंने टिप दी है उसे जरूर यूज कीजिएगा। तो इसी तरह से सारे पकोड़े बना लेंगे। गोभी के पकोड़े हमारे बनकर तैयार हैं और ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी। मुझे ये रिक्वेस्ट आई थी गोभी के पकोड़ों की, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड की है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके।